90 के दशक में बॉलीवुड में ऐसी कई अभिनेत्रियां रही हैं जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर अपनी ग्लैमरस बॉडी और खूबसूरती का जलवा दिखाया। हालांकि उनमें से कुछ को आज भी याद किया जाता है और उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक है ममता कुलकर्णी, जिन्होंने 90 के दशक में कई हिट फिल्मों में काम करके अपनी खूबसूरत अदाओं, बोल्डनेस और अपनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया और आज भी इन्हें 90 के दशक की सबसे बोल्ड और ग्लैमरस अभिनेत्री में माना जाता था। लेकिन दोस्तों, अब बॉलीवुड की 90 के दशक की बोल्ड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के बारे में तो जानते हैं, पर क्या आप इनके रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते हैं कि इनके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, सब क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इनकी फैमिली से रूबरू होना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बॉलीवुड की 90 के दशक की बोल्ड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ और इनके परिवार में कुल मिलाकर 5 सदस्य हैं, जिनमें इनके मम्मी, पापा, 2 बहनें और 1 और शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं इनके फादर के बारे में, तो आपको बता दें कि इनके फादर का नाम मुकुंद कुलकर्णी है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर थे और उनसे रिलेटेड इंटरनेट पर कोई भी तस्वीर नहीं है। अब बात करते हैं इनकी मम्मी के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी मम्मी से रिलेटेड इंटरनेट पर कोई जानकारी नहीं है। माता पिता के बाद अब बात करते हैं इनकी बहनों के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी 2 बहनें हैं, जिनमें से बड़ी बहन का नाम मोलिना है और छोटी बहन का नाम मिथिला है। परिवार के बाद अब बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में, तो ये ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ रिलेशनशिप में थे और 1997 में विक्की को गिरफ्तार किया गया तो विक्की को बचाने के लिए ये भी दुबई चले गए, जहां दोनों ने इस्लाम अपना लिया। ममता ने अपना नाम आयशा बेगम रखा और विक्की ने अपना नाम यूसुफ अहमद रखा। खबरों के मुताबिक ममता और विक्की ने गुपचुप तरीके से दुबई की जेल में शादी भी कर ली और सजा पूरी होने के बाद इन्होंने बताया कि इनकी उनसे कोई शादी नहीं हुई और ये सिंगल है और आज भी 47 साल की उम्र में सिंगल रहकर आश्रम में साध्वी की तरह जिंदगी बिता रही है। तो दोस्तों, आपको ग्लैमरस अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की छोटी सी फैमिली से मिलकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।